इस तरह से देखिए आप, प्रेसिंग कंप्लीट कर देनी है आपको। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा ट्यूटोरियल है, बड़ी आराम से आप अपने आप भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग, कैरेटिन, कोई इतना ट्रिकी फील वो नहीं है, आप बड़े आराम से अपने आप भी कर सकते हैं। बस ख्याल रखना होता है कि कौन सी क्रीम कैसे काम करती है और कितना हमें प्रेसिंग करनी है, किस टेम्परेचर तक काम करना है। ये छोटी छोटी बातों का आप ख्याल रखेंगे तो कोई भी प्रोसेस आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए जो प्रेसिंग, जो हमारी सेकंड प्रेसिंग होती है, आप उसके बाद क्लाइंट को ये कह सकते हैं कि मैम आपका जो रिज़ल्ट होगा वो यही फाइनल रिज़ल्ट है, क्योंकि जो हमारी जो सेकंड क्रीम है वो नरिशमेंट और जो हम प्रेसिंग का रिज़ल्ट देते हैं उसी को ही न्यूट्रलाइज़ करके फाइनल लुक दे देता है। तो प्रेसिंग पे हमेशा ध्यान रखें, इस चीज़ के लिए आप बहुत अच्छी प्रेसिंग, आइकॉनिक की अच्छी है, एक्टर की भी अच्छी है प्रेसिंग मशीन, आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं ये सेकंड क्रीम अप्लाई कर रही हूँ, सॉसकॉफ का ही सेकंड क्रीम है जिसके ऊपर एन लिखा हुआ होता है। आपको क्रीम परचेज़ करनी है तो इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आगे कमिंग वीडियोस में मैं आपको स्ट्रिक्स की स्मूदनिंग प्रोसेस भी बताऊंगी कि अगर आप स्ट्रिक्स कंपनीज की स्मूदनिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो क्या क्या ये प्रोडक्ट हैं और किस तरह से आप स्मूदनिंग कर सकते हैं, और इसका रिज़ल्ट आप देखिए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। मैंने लॉरियल, मैट्रिक्स, सॉसकॉफ कंपनियों के स्मूदनिंग, रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग प्रोसेस कंप्लीट ट्यूटोरियल डाली हुई हैं मेरी। अगर आपको वीडियो सही लगती हैं, पीछे आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, सारा ट्यूटोरियल मैंने डाल दिया है। लॉन्ग हेयर्स पे सॉसकॉफ का बनाया था तो ये सॉसकॉफ का मैंने डाल दिया है, और अदर टाइप्स के हेयर्स के लिए आप मेरे पीछे वीडियोज़ देख सकते हैं। हमेशा क्रीम एप्लीकेशन में आप केवल इमल्सिफिकेशन पे ध्यान दीजिए, जितना अच्छा इमल्सिफिकेशन होता है, क्योंकि क्रीम क्यूटिकल पे काम करती है, हेयर्स की जो क्यूटिकल लेयर होती है उस पे काम करती है। अच्छी इमल्सिफिकेशन से क्यूटिकल शाइनी और अच्छी स्ट्रेट हो जाती है, तो इस पे हमेशा ख्याल रखें। कैरेटीन की भी ट्यूटोरियल मैंने डाल रखी है अपने वीडियोस में, आप देख सकते हैं कैरेटीन ट्रीटमेंट होती क्या है और क्यों लेते हैं, किस टाइप के हेयर्स पे लेते हैं, आप इसकी ट्यूटोरियल मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। और कभी भी स्मूदनिंग, रिबॉन्डिंग या स्ट्रेटनिंग आप करते हैं तो कस्टमर्स को उनके हेयर्स के टाइप्स के हिसाब से ही आप उनको होम केयर प्रोडक्ट सजेस्ट कीजिए, क्योंकि ये प्रोसेस करने के बाद शैम्पू, कंडीशनर एंड मास्क तीनों चेंज हो जाते हैं। जिस कंपनी का आप स्मूदनिंग कीजिए उसी कंपनी के होम केयर्स आप कस्टमर्स को सजेस्ट कीजिए, ताकि उनके हेयर्स अच्छे रहें, फ्रिजी ना हो। और हेयर स्पा का भी सजेशन आप ज़रूर दीजिए कि मैम एटलीस्ट 15 डेज़ में तो आप हेयर स्पा लीजिए, 15 डेज़ में नहीं होता तो पर मंथ तो आप हेयर स्पा लेना ही लेना है, ताकि उनको नरिशमेंट मिल सके।
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माही मेकओवर्स। गाइस, मैं आज आपको स्मूथनिंग की कंप्लीट ट्यूटोरियल बताऊंगी कि किस तरीके से आप लॉन्ग हेयर्स पे स्मूथनिंग कर सकते हैं। इसके लिए आप जैसे इनका हेयर्स देख रहे हैं, कितनी फ्रिजी और कर्ली हेयर्स हैं। तो सबसे पहले हम इनकी प्रेसिंग कर रहे हैं, जैसा आप वीडियो में देख रहे हो मेरे, कंप्लीट प्रेसिंग करनी है। प्रेसिंग के बाद जो मैंने हमेशा आपको बताया है कि सॉसकॉफ का मैं इसमें स्मूदनिंग कर रही हूँ, तो सॉसकॉफ का 0 नंबर का क्रीम सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हेयर्स को 4 सेक्शंस में डिवाइड कर लीजिए, देन आफ्टर पतले पतले सेक्शन लेके हमें पूरे हेयर्स पे क्रीम को अप्लाई करना है। जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में भी आपको हमेशा बताया है कि क्रीम की जो एप्लीकेशन है रूट्स पे बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको अराउंड 2 सेंटीमीटर छोड़ के ही क्रीम को अप्लाई करनी है। तो आप जैसा देख रहे हैं, सेक्शन बाय सेक्शन पहले मैंने राइट हैंड साइड पे क्रीम अप्लाई किया है और इसके बाद मैं लेफ्ट हैंड साइड में क्रीम टोटली अप्लाई करूँगी। कभी भी आप जो फर्स्ट क्रीम अप्लाई करते हैं तो इसके इमल्सिफिकेशन प्रोसेस में हमेशा ध्यान रखें। जितनी अच्छी आप क्रीम कोई एप्लीकेशन करेंगे, कभी भी ऐसा ना सोचें कि क्रीम कम हो रहा है, थोड़ा कम अप्लाई करें। जितनी अच्छी आप क्रीम की एप्लीकेशन करेंगे उतना अच्छा ही आपके स्मूदनिंग का रिज़ल्ट रहेगा। इनके फाइनल टच आप देखिएगा, कितने अच्छे बाल इनके हो गए थे। लॉन्ग हेयर्स जो होते हैं थोड़ा सा उसमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो मेरा ये वीडियो भी थोड़ा लेंदी है, इसके रिज़ल्ट के लिए आप लास्ट तक देखिए वीडियोस। और इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बताए हैं कि आफ्टर द स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग या स्ट्रेटनिंग प्रोसेस के बाद आप किस तरह से अपने हेयर्स को केयर कर सकते हैं। तो जैसा आप मेरे वीडियो में देख रहे हैं, मैं कितना अच्छा इमल्सिफिकेशन कर रही हूँ, इसी पे ही हमारा रिज़ल्ट बेस्ड करता है। मैंने स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग के बहुत सारे वीडियोस डाल दिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट हेयर टेक्सचर्स एंड टाइप्स के हेयर्स पे मैंने स्मूथनिंग प्रोसेस बताया है, आप मेरे वो वीडियोस भी देख सकते हैं। इससे पहले भी मैंने अलग अलग कंपनीज़ की भी स्मूथनिंग बताई हुई है, रिबॉन्डिंग भी बताई हुई है। ये लॉन्ग हेयर्स पे हैं, इसकी ट्यूटोरियल आप कंप्लीट वीडियोस में देख रहे हैं। हमेशा मैंने ये भी बताया है कि जब भी आप प्रोसेस करते हैं, जो फर्स्ट क्रीम है उसकी एप्लीकेशन जो टाइम होता है 40 to 45 मिनट्स होता है इन वर्जिन एयर। तो इनके वर्जिन एयर हैं तो मैं 40 to 45 मिनट तक स्टे करूँगी। और बीच बीच में जो है हेयर्स की बॉन्ड चेकिंग बहुत ज़रूरी है। कभी भी ऐसे ना सोचें कि आफ्टर द 45 मिनट्स ही हमें बॉन्ड चेक करना है। जब आप क्रीम अप्लाई कर लेते हैं उसके आफ्टर 10 मिनट्स बाद ही आपको हेयर्स की बॉन्ड चेकिंग स्टार्ट कर देनी है। ऐसा ना सोचें कि 40 मिनट तक स्टे करें, क्योंकि ये डिपेंड करता है हेयर टेक्सचर्स पे और किस टाइप के हेयर्स हैं। कई बार होता है कि रिबॉन्डिंग जो बॉन्ड का टूटना होता है वो पहले भी हो जाता है, तो इसका हमेशा ख्याल रखें, बॉन्ड चेकिंग करते रहें। ये क्रीम अप्लाई करके मैंने अराउंड 35 मिनट्स इनका स्टे किया था, क्योंकि इनके हेयर्स पे इन्होंने कभी हीना भी अप्लाई किया था, बट ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो गया था तो ज़्यादा हीना की क्वांटिटी नहीं थी, वो हट गया था। जब भी आप क्रीम अप्लाई करते हैं तो हमेशा ख्याल रखें कि जो क्रीम है ओवरऑल सारे हेयर्स पे अप्लाई हो जाना चाहिए, कहीं से भी छूटना नहीं चाहिए। ये क्रीम मैं अप्लाई कर रही हूँ, साथ साथ कॉम कर दे रही हूँ ताकि हेयर्स में टैंगल्स ना रहें। एक और ख्याल रखें, अगर आप रिबॉन्डिंग करते हैं तो हमेशा 2 लोग अगर मिलके करते हैं, क्योंकि मेरे तो आराम से हो जाता है, मुझे आदत है करने की,
लेकिन अगर ये प्रोसेस दो जने मिलके करेंगे तो क्रीम की जो एप्लीकेशन है वो जल्दी हो जाती है और प्रोसेस भी शॉर्ट टाइम में हो जाता है। तो हो सके तो आप दो जने मिलके रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग प्रोसेस करिए। क्रीम के एप्लीकेशन के बाद जो मैंने बॉन्ड चेकिंग का प्रोसेस है, हमेशा मैं अपने वीडियोस में बताती रहती हूँ कि आपको सिंगल सिंगल हेयर्स डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के में उठाने हैं और स्ट्रेच करके देखना है। अगर हेयर्स रबर की तरह स्ट्रेच हो के और कर्ली हो जा रहे हैं, इसका मतलब बॉन्ड टूट चुका है, आपका रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग प्रोसेस वहाँ हो चुका है, उसके बाद आप हेड वॉश कर ले सकते हैं। और अगर आप हेयर्स को स्ट्रेच कीजिए और रबर की तरह स्ट्रेच हो रहा है और अपनी एक्चुअल फॉर्म में आ जा रहा है, इसका मतलब उसकी बॉन्ड अभी नहीं टूटी हुई है, थोड़ा सा उसमें आप वेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन थोड़ा सा ये प्रोसेस लेंदी होगा, लेकिन कंप्लीट ट्यूटोरियल के लिए आप अगर बिगनर्स हैं तो, अगर आप कुछ भी क्वायरीज है तो अगर आप प्रोसेस पूरा देखेंगे तो कंप्लीट समझ में आएगा कि लंबे बालों पे आप स्मूथनिंग किस तरीके से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हमेशा मैंने बताया भी है कि फोर सेक्शन में काम करते हैं और फ्रंट के हेयर्स में फ्रंट साइड रखती हूँ और बैक के हेयर्स में बैक में रखती हूँ, बट ये हेयर्स बहुत लॉन्ग है तो मैं सारे हेयर्स को बैक साइड ही ले जाऊँगी ताकि उनमें कोई मोड़ ना आए। इसके लिए मैं सारे हेयर्स को बैक साइड ही ले जाऊँगी क्रीम के एप्लीकेशन में। आप मेरे दोनों उसमें देखेंगे तो डिफरेंस यही नज़र आएगा। आगे के पीछे जो मैंने ट्यूटोरियल बताया उसमें फोर पार्टिंग में काम किया हुआ है, इसमें मैं सारे हेयर्स को बैक साइड ले जा रही हूँ ताकि उनमें कोई मोड़ ना आए। आप जैसे हेयर्स की हैंडलिंग करेंगे रिज़ल्ट वैसा ही मिलता है। तो ये क्रीम की पूरी एप्लीकेशन हो गई है और इसके बाद मैंने जैसे पहले भी बताया आपको कि अराउंड 35 मिनट्स मैंने वेट किया था, उसके बाद बॉन्ड चेकिंग किया और बॉन्ड चेकिंग के बाद हेड वॉश कर देनी है। इस क्रीम जो फर्स्ट क्रीम होती है इसकी एप्लीकेशन के बाद हेयर्स थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, इसलिए जब आप हेड वॉश करते हैं आप मास्क ज़रूर अप्लाई करें जिससे इसमें मॉइस्चर आ जाता है और ड्राइनेस हेयर्स की हट जाती है। तो हेड वॉश के टाइम मास्क अप्लाई करके अराउंड 5 to 10 मिनट स्टे करना है और उसके बाद फाइनली रिंस कर देना है। फ्रेंड्स, आपको कहीं पे भी कोई भी क्वायरीज हो आप बेझिझक मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। देखिए क्रीम के एप्लीकेशन में इमल्सिफिकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इस तरह से पूरा क्रीम अप्लाई हो चुका है और आप देखेंगे कि इसके बाद हेड वॉश होगा इनका। कई बार कस्टमर पूछते हैं कि मैम रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग में कितना घंटा लग जाता है, वो डिपेंड करता है आप कितने लोग हैंडल करते हो काम को। सिंगल पर्सन अगर इसी काम को करता है तो अराउंड 3 to 4 आवर्स तो मिनिमम लग ही जाता है इस प्रोसेस में, क्योंकि क्रीम तो अपना पूरा टाइम लेती ही है।
इनके हेयर्स काफ़ी कर्ली थे, तो इस तरीके से देखिए पूरी क्रीम अप्लाई हो गई है और इसके बाद बॉन चेकिंग होगी और हेड वॉश हम कर देंगे। इसकी प्रोसेस बता दिया मैंने कि अराउंड 35 मिनट्स बाद मैंने इनका बॉन चेकिंग के बाद हेड वॉश किया था, तो ये इनका हेड वॉश हो रहा है। हेड वॉश के बाद ब्लो ड्राइंग करना है आपको। ब्लो ड्राइंग 50-60% करने के बाद आपको हेयर सीरम अप्लाई करके ही आप ब्लो ड्राइंग करें, जिससे आपके बाल हेयर्स बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगे। ब्लो ड्राइंग के लिए मैंने VNG का ही ड्रायर यूज़ किया है, जिसका टेम्परेचर 2000 वॉट है। जब आप फर्स्ट क्रीम अप्लाई करते हैं हेयर्स पे तो हेयर्स स्ट्रेट तो हो जाते हैं, लेकिन हल्के से ड्राइनेस रहती है उनमें। जो सेकंड हमारा क्रीम होता है न्यूट्रलाइज़र, वो जो बॉन्ड हमारे टूट जाते हैं, एक तो उसको न्यूट्रलाइज़ करने का काम करता है, दूसरा उसको नरिशमेंट और शाइन देने का भी काम वही क्रीम करती है। और फर्स्ट क्रीम और सेकंड क्रीम में डिफरेंस इतना है, फर्स्ट क्रीम जो लेंगे वो थोड़ी सी थिक होती है, सेकंड क्रीम लाइट होती है। उसको आप अप्लाई करेंगे तो बहुत लाइट रहती है और बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाती है। अब इसके बाद जो प्रेसिंग होगी वो बहुत अच्छी प्रेसिंग आपको करनी है। प्रेसिंग के लिए मैंने आइकॉनिक की प्रेसिंग मशीन यूज़ की है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको परचेज़ करनी है तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। इस तरह से पूरे हेयर्स को बड़े पतले पतले सेक्शन में लेके आपको प्रेसिंग करनी है। जिस तरह से आप प्रेसिंग करेंगे, जितनी अच्छी आप प्रेसिंग करेंगे, उतना अच्छा रिज़ल्ट हमारे स्मूदनिंग का आता है। बड़े हेयर्स हैं, लॉन्ग हेयर्स हैं, तो इसमें आप ध्यान रखिए, प्रेसिंग मशीन को एकदम रनिंग वे में चलाना है, रोक रोक के बिल्कुल नहीं चलाना है, नहीं तो हेयर्स डैमेज होने के चांस होते हैं। और अराउंड 3-4 टाइम्स तो आपको एक एक सेक्शन में प्रेसिंग करना ही है। प्रेसिंग करने के बाद, जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि आपको न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करना है पूरे हेयर्स में, और न्यूट्रलाइज़र इस तरह से ये कंप्लीट होने वाला है सेकंड क्रीम का एप्लीकेशन। इसको अप्लाई करने के बाद आपको 30 मिनट स्टे करना है, और उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर, जैसे कि सर्दियों का सीज़न है तो पानी बहुत ठंडा होता है, तो आपको टेम्परेचर कम से कम नॉर्मल टेम्परेचर रखना है वाटर का, और हेड वॉश कर देना है। हेयर्स का रिज़ल्ट आप फाइनल देखेंगे कि कितने कर्ली हेयर्स के बाद ये हेयर्स एकदम स्ट्रेट और शाइनिंग स्मूथ हो जाते हैं। इनका हेड वॉश हो रहा है। वीडियो क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, इसके लिए हम थोड़े से शॉर्ट शॉर्ट पार्ट, एकदम छोटे छोटे क्लिप्स डालते हैं। हेड वॉश के बाद आपको हेयर्स ड्राई करना है। ड्रायर के लिए आप इस टाइम पे जो टेम्परेचर रखेंगे, नॉर्मल हीट टेम्परेचर रखेंगे, ज़्यादा हीट पे आपको ड्राई नहीं करना है, नहीं तो जितनी भी आपकी इसके अंदर हेयर्स की मॉइस्चर होती है हट जाती है। इसलिए इन सब छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के आप अपनी स्मूदिंग प्रोसेस कम्प्लीट कर सकते हैं।
आपको मेरे वीडियोस कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।